एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम चीज़ आलू सैंडविच बनाने वाले हैं, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में तो ये क्या लगती है, एकदम मस्त। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉईल किए हुए आलू ले लेंगे और उनका छिलका निकाल के उनको अच्छे से मैश कर लेंगे। और फिर हम उसमें एक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे, थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे हम इसमें कटा हुआ, हाफ टी स्पून हम इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट ऐड कर देंगे, एक टेबलस्पून हम इसमें रोस्टेड जीरा और धनिया का पाउडर ऐड कर देंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे, थोड़ी सी ग्रीन चिली, थोड़ी सी रेड चिली और लास्ट में हम इसमें एक नींबू का रस ऐड कर देंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख लेंगे। अब हम दो ब्रेड स्लाइस ले लेंगे और दोनों ब्रेड स्लाइस पे हम बटर अप्लाई कर देंगे। और अब हम एक ब्रेड स्लाइस पे ग्रीन चटनी ऐड कर देंगे और दूसरी ब्रेड स्लाइस पे हम टमाटो केचप ऐड कर देंगे। और जो हमने आलू मिक्स बनाया था वो हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर एक चीज़ की स्लाइस रख देंगे, आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ या फिर कोई भी और चीज़ यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से ओरिगैनो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। अब हम सैंडविच को बंद कर देंगे और एक पैन पे बटर अप्लाई कर देंगे और अपनी सैंडविच को उसके ऊपर प्लेस कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको सिम फ्लेम पर ही होने देंगे और हम उसकी दूसरी साइड पर भी बटर अप्लाई कर देंगे। और 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी सेम 2 से 3 मिनट के लिए होने देंगे। अब ये बहुत ही मस्त क्रिस्पी सा चीज़ सैंडविच रेडी हो गया है हमारा, तो हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसको कट करके देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गया है हमारा और जो ब्रेड है वो भी अच्छे से क्रिस्पी हो गया है हमारा, तो इसका मतलब ये बहुत ही मस्त से बन गया है एंड दिस मेक्स फॉर अ परफेक्ट इवनिंग स्नैक। तो आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना और बनाने में भी बहुत आसान है और खाने में तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, अब और खाने में तो बहुत ही मस्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।